जगह देख लो बेटा, अगर ये कॉलेज पसंद आया तो तुमको 4 साल इधर ही रहना। एडमिशन लेंगे नहीं इस कॉलेज में, देखेंगे, उधर चलते हैं। अंकल वहाँ कुछ स्टूडेंट्स है, वहाँ पे चल के पूछते हैं। यार आमिर आज बाहर खाने चलेंगे यार, बहुत दिन हो गए बाहर नहीं खाया। रोहित में चलेंगे यार, इवनिंग में बस रेडी रहना। ओके ठीक है भाई, इवनिंग में चलेंगे। कॉलेज में पढ़ते हो क्या? हाँ ऐसी कॉलेज में। कॉलेज स्टार्ट हुआ इसलिए हमने एडमिशन नहीं लिया था। इतना क्या डेवलप हो गया कि कर्नाटक के टॉप मोस्ट कॉलेज में आ गया। बैठने पहले आप बैठिए बैठिए। अच्छा एडमिशन किसका है? आपका। चलो बैठ जाए। एक टीम को लीड करने के लिए जैसे एक कैप्टन की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही एक कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छे प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना, मैं अकेले ही चला था, लोग साथ आते गए और कारोबार बढ़ता गया। जब आप एक कामयाबी के रास्ते पर चलोगे तो लोग सबसे पहले तो आपको नेगलेक्ट करेंगे, फिर आपको झूठा साबित करेंगे, फिर लोग आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। इन सब के बावजूद अगर आप अपना काम करते रहोगे तो वो सब मिट जाएंगे और आप अपनी मंजिल को पहुंच जाओगे। और जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। कॉलेज में हमारे दिन की शुरुआत होती है प्रेयर से। और फिर शुरू होती हैं क्लासेज। सर के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देती है मैम उनका। हर जगह, हर ऑफिस, हर कॉलेज और हर डिपार्टमेंट, सब जगह कुछ लोग होते हैं जो अपने ईगो के लिए, अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए अपने से कमजोरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को प्यार से हैंडल करना हमारे सबसे बड़ा अच्छा लगता है। बस रुक रुक रुक। क्या रे, क्या कर रहे हो तुम? वो बच्चे को इतना मारते क्या? खाना ज्यादा हो गया क्या तुम लोगों को? काम करता मैं सबका, कल कॉलेज में आओ, खाना ज्यादा हो गया क्या तुमको? सर मैं कमिंग सर। खाना ज्यादा हुआ, इतना मारते हुआ तो मालूम है ना कैसा होता।
सॉरी सर। दोबारा मत करे सर। नहीं होगा सर अब। क्या आप क्लास में? छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको भी सॉल्व किया जाता है। और ऐसी प्रॉब्लम को मैम खुद सॉल्व करती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व करने के लिए सर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग सर, रुपए चाहिए थे, एटीएम ब्लॉक हो गया। कितना चाहिए? 1000 रुपए। थैंक यू सर। और अगर बात हो हमारी हेल्थ को लेकर, तो वहां पर भी एडवाइस देने से पीछे नहीं हटते सर। तुम में से कौन सिगरेट पी के आया? सच सच बोल, नहीं तो टांगे तोड़ता मैं तेरी। सिगरेट पीना बुरी बात है, जिंदगी खराब होती है, मालूम नहीं क्या आपको? दोबारा पियोगे? सॉरी सर। और वहीं दूसरी तरफ एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैम बड़ी आसानी से उस डाउट को क्लियर कर देती है। मैम, हाउ टू रीड श्लोकास, आई एम नॉट गेटिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम्स। फर्स्ट लर्न हाउ टू स्प्लिट द श्लोकास एंड टू रीड, डोंट बाय हेड द थिंग्स, यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। Mainly for exam point, presentation is important. Don't leave any questions. Attend everything. Handwriting is also most important. All the best. Do well. कभी कभी मजाक मजाक में की गई छोटी छोटी बात आगे चल के बड़ी लड़ाइयों का रूप ले लेती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीनियर्स ही उन लड़ाइयों को शांत करवा देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किस्तियां जिद पर होती हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है किस्मत में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो हम चाहेंगे। अचीवमेंट जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस नेक इरादे और मजबूत हौसले होने चाहिए, बस फिर इंसान गोल गोल ही सही अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता। एक आम टीचर पढ़ाता है, एक अच्छा टीचर समझाता है, और बहुत ही अच्छा टीचर हो तो करके दिखाता है। लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो हमें इंस्पायर करके जाते हैं जिंदगी भर के लिए। मतलब पहले मैं अपने बेटे का एडमिशन ना करा के बहुत बड़ी गलती की, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। चलो फिर एडमिशन करवाने चलते हैं। चलो